आज मैं आपको बताने वाला हूँ कश्मीर द फाइल्स मूवी को कैसे देखना है उसके बारे में। बहुत लोग सर्च कर रहे हैं कि मोबाइल पर कैसे देखें, OTT प्लेटफॉर्म पर कैसे देखें, फ्री डाउनलोड करके कैसे देखें। तो आज मैं आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनकी सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप द कश्मीर फाइल्स मूवी को कैसे देख सकते हैं? जी हाँ, द कश्मीर फाइल्स मूवी एक वायरल मुद्दा, एक पॉपुलर मुद्दा है, एक सच्चाई है उन हिंदुओं के लिए, उन कश्मीरी पंडितों के लिए जिनके ऊपर सन 90 के दशक में, या बोलिएगा 1990 में बहुत अत्याचार किए गए, जिस सच्चाई को आज तक किसी मीडिया ने नहीं, किसी डायरेक्टर या किसी भी मूवी वालों ने नहीं दिखाया, उस सच्चाई को दिखाया है विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत ही सही और बहुत ही अच्छे अंदाज में। सभी जो कलाकार हैं उनका अभिनय देखने के लिए बहुत ही उत्तम रहा है। तो वैसे तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये मूवीज़ कोई भी हो, ये हो कोई भी हो, किसी भी मूवीज़ को गलत तरीके से हमने नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे इसको बनाने वालों के करोड़ों रुपए खर्च हुए होते हैं और इसको दिखाने के लिए भी वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो सही तरीके से और लीगल तरीके से हमें इन मूवीज़ को देखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो इन मूवीज़ की रिकॉर्डिंग करके या इन मूवीज़ को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके पायरेट वेबसाइट्स पर डाल देते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस मूवी को कैसे देखना है। तो आइए, जब आपको सबको पता है गैर कानूनी मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपने अपने गूगल पे आ जाना है, गूगल में सर्च करना है, आपने गूगल हो या आपका कोई भी वेब ब्राउज़र हो, ठीक है, उसमें सर्च करना है आपने ताना मारने वाली शायरी। एक शायरी वेबसाइट है ताना मारने वाली शायरी, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, सर्च करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे फर्स्ट पे ही आ रही है, किसी के पास सेकंड पे, थर्ड पे आप देख सकते हैं। इसका डोमेन सही से देख लीजिएगा, सैड शायरी इमेजेस .com, और ये मतलब ये जो फर्स्ट पे आ रही है इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि सेम इसी वेबसाइट पे आपने जाना है, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ओपन हो रही है। फिर इसके बाद इसको स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे नीचे आते जाना है आपने, स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, गो टू डाउनलोड पेज, गो टू डाउनलोड, बाकी जो एड्स वगैरह ये इसको आपने बंद कर देना है। गो टू डाउनलोड पेज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है, तो आप इस आर्टिकल पे आ गए, नेक्स्ट पेज पे। इस पर फिर आपने लास्ट में नीचे जाना है, इसके भी एंड में, ठीक है, एट द एंड, ये एट द एंड आ गया, इसके नीचे जाके लास्ट में यहाँ पे आपको एक मैसेज या एक आपको मेथड मिल जाएगा कि आपने मूवी को कैसे देखना है, द कश्मीर फाइल्स को। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया है, तो धन्यवाद, चलते हैं।